अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आप इतनी प्यारी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेटा आप तो बहुत हसीन हो। मैंने तो इतनी दुआ मांगी थी कि मेरी आप लोगों से मुलाकात हो जाए। अल्लाह ने आज मेरी दुआ भी सुन ली, मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अनीता भी बहुत दिन से कह रही थी कि मुझे आप सबसे मिलना चाहिए, तो मैंने कहा चलो मिल ही लेते हैं। बेटा आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटे का दिल और मेरी आंखें तो आप पे आके जैसे ठहर गई हैं। माँ सारी बातें यहाँ खड़े खड़े करनी है। अंदर हाँ जी हाँ जी, आइए आइए आइए। शुक्रिया शुक्रिया। आइए फराज, तुम्हारे मामा इतनी ओवर क्यों हो रही हैं? क्यों? देखो मेरी मॉम बहुत प्रैक्टिकल है, कोई भी उनको इतने आर्टिफिशियल तरीके से मिलता है तो वो 1 मिनट में उन पे फेक का लेबल लगा देती हैं। ये समझाओ उन्हें। समझाते हो तुम? अंदर जाओ बैठो। फराज, एटलीस्ट आज के दिन तो उसको यहां से गायब कर देते, मामा को पता चलेगा तो क्या होगा? फिक्र मत करो, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। क्यों खड़ी हो तुम यहाँ? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बदतमीजी का जवाब इस वक्त देना नहीं चाहती मैं। मुझे भी मालूम है, बहुत अच्छी तरीके से जान गई हूँ मैं तुम्हें। क्या जान गई हूँ? यही कि जब तुम्हें शोर हो गया कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई नहीं रुकने वाला, तो तुमने सोचा कि क्यों ना उसे ही किल्ट में डाला जाए, है ना? बेकार की बातों में तुम्हारे दिमाग कुछ साथ ही चलता है। तुम क्यों इतनी हसरत से मेरे भाई के पीछे पड़े? ताकि वो अपनी नई जिंदगी के और नए रिश्ते की शुरुआत ही ना कर सके। मैं दुआ करती हूँ कि तुम पर ऐसा वक्त कभी ना। और सोचो, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? मैं क्यों होती तुम्हारी जगह? अपने मंगेतर को छोड़कर, अपने घर वालों से झूठ बोलकर रातों को अजनबी लड़कों से मिलने के लिए तुम जाती थी, मैं नहीं। और एक बात मेरी गौर से सुनो, अनीता के सामने तुम बिल्कुल नहीं आओगी। तुम्हारा ही हुक्म बेमानी है मेरे लिए, क्योंकि उसके सामने मैं खुद नहीं जाना चाहती।